स्वागत है जी आपका मेरे YouTube चैनल रोंगपा प्रो में। आज पुनः दिल्ली की एक सर्द सुबह के बज चुके हैं लगभग 8। दोस्तों किसी ने खूब कहा है, मैन इज जीनियस व्हेन ही स्विम, यानी कि मनुष्य तब प्रतिभाशाली होता है जब वो अपने सपने देख रहा होता है। और किसी ने कहा है कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप उन्हें पूरा करने की पूरी हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों आपको मेरे इस लाइफ लेसन्स कोटेशंस और विजुअल से पता लग गया होगा कि आज की कहानी हमारी सम लाइफ लेसन्स कोटेशंस और फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड होगी। दोस्तों मेरा हमेशा से ये सपना रहा कि मैं फिजिकली फिट रहूं, लेकिन लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ती रही मैं अपने सपने से दूर भागता रहा। लेकिन दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, एट द एज ऑफ 40+ आज मैं अपने सपने को दोबारा से साकार करने की कोशिश करने जा रहा हूं। मेरे पिछले एपिसोड्स में आपने देखे होंगे तो ब्लॉग नंबर 2 है, उसमें मैंने अपनी जो एंड्योरेंस टेस्ट है उसे चेक किया था और वो जो एक आउटडोर एक्टिविटी थी आज मैं उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। फिजिकल फिटनेस की जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपना जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसे चेक करना चाहूँगा। दोस्तों मेरे पास ये जो बेसिक डंबल्स हैं कुछ वेट्स हैं उनसे मैं अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को एक बार चेक कर लेता हूँ। ये रहे मेरे पास कम से कम 30 केजी का वेट है, 7.5 केजी। चलिए इसे बेसिक जो जिम इक्विपमेंट है इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों मैं 12 का सेट लगा चुका हूँ। बारह का हो गया लेग। थर्टी सेकेंड का कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। बारह का सेट और क्या है,
तार एक्सटाइज हो चुके हैं, बार फिर 30 सेकंड का रेस्ट। आज पांचवा चेस्ट और बाइसेप्स के लिए। ये राजी दोस्तों 30 kg वेट के ऊपर कंटिन्यू 5 करके फिजिकल स्ट्रेंथ चेक जो कि मैंने पूरा किया है दोस्तों। अभी तो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, दोस्तों मेरे जैसे कई सारे साथी जो कि 40 और 50 के पड़ाव में हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर आप अपनी उम्र के 40वें या 50वें पड़ाव में हैं और आप सोचते हैं कि कुछ बड़ा करने की या अपने लाइफ में अच्छे बदलाव लाने की आपकी उम्र निकल चुकी है, तो आप एक बार दोबारा सोचिए। ऐसा क्यों? क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका के एक नेपोलियन हिल्स नामक व्यक्ति ने 500 मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन के ऊपर एक स्टडी करी और उन्होंने पाया कि जो लोग उम्र के 40वें या 50वें पड़ाव पे थे, मोस्टली उन्होंने सक्सेस पाया है। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी उम्र के 40वें या 50वें पड़ाव में हैं, तो ये एक गोल्डन पड़ाव है, क्योंकि जहाँ आपके पास एक बुद्धिमत्ता और बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं और एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है जिससे आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अपने उम्र के 40वें 50वें पड़ाव पे हैं, तो आप सोचते हैं कि आपकी उम्र निकल चुकी है, तो आप एक बार दोबारा सोचिए। तो दोस्तों दुनिया का क्या है, दुनिया ने तो जीने देती है ना ही मरने देती है। क्योंकि अगर आप मोटे हैं तो दुनिया कहेगी कि आप ज्यादा खाते होंगे, अगर आप पतले हैं तो लोग बोलेंगे कि आप बीमार हैं, अगर आप सक्सेस है तो लोग कहेंगे एरोगेंट है, अगर आप मुंह पे सारी बातें बोल देते हैं तो आप रूड हैं, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो दुनिया कहेगी कि आप भोले वाले, अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो दुनिया कहेगी आप, अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो दुनिया कहेगी आप भरोसे लायक नहीं है। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, दुनिया को जो बोलना है बोलने दीजिए, और 100 बात की एक बात, आप अपनी लाइफ में जो भी करोगे लोग आपको हमेशा क्रिटिसाइज ही करेंगे, इसलिए लाइफ में वही करो जो आपको सूट करता हो। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करोगे लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप वही करें जो आपको सूट करता है। तो दोस्तों मैं भी इस लाइफ लेसन्स को अपने लाइफ में, लाइफ रूटीन में
शामिल करने की कोशिश करता हूँ, और यही वजह है कि मैं आपके सामने YouTube पे अपने रोंगपा ब्रो चैनल के नाम से आपके सामने हूँ। तो एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप अपनी 40s और 50s के पड़ाव में हैं और आप सोचते हैं कि आपकी उम्र निकल चुकी है कुछ बड़ा करने की या अपने लाइफ में बदलाव लाने की, तो एक बार दोबारा सोचिए। तो इसी डायलॉग डिलीवरी के साथ आपका होस्ट और दोस्त रोंगपा ब्रो आपसे इजाज़त लेना चाहता है। आज का जो मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट था वो एट द स्टार्टिंग पॉइंट मैंने पार किया है, और आगे देखते हैं लाइफ जो ये मेरे फिजिकल फिटनेस की जर्नी है कहाँ तक पहुँचती है, और जो ये मेरा सपना है इसे मैं आप लोगों की मदद से पूरा कर पाऊँगा कि नहीं। तो इसी तरह मेरे चैनल से के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ सी यू, टाटा एंड गुड बाय।